Karachi International Human Rights Council, IHRC, Executive Member World, Senior Patron Asia and President of International Press Media Council Dr. Zakir Hussain Adil, CEO of K92 Syed Abdul Qadir Shah held a press conference. Assalamu alaikum, इस वक्त मैं मौजूद हूँ International Human Rights Council के IHRC के ऑफिस में, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं International Human Rights Council IHRC के सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर वर्ल्ड और सीनियर पैटर्न एशिया डॉक्टर जाकिर हुसैन आदिल साहब, जो कि इसके अलावा APRNS फॉरेन अफेयर्स कमेटी इंटरनेशनल के चेयरमैन भी हैं, और इसके अलावा उनकी शख्सियत हम अजय शख्सियत है, मारूफ शायर, अदीब, सहाफी, दानिश्वर, अलगर्स के जिंदगी के काफी शोबे में डॉक्टर साहब ने तवाजमाई की है, और इस हवाले से इनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। और इसी हवाले से आज तशरीफ लाए हैं हमारे ऑफिस में कदीर शाह साहब, जो कि K92 न्यूज के एडिटर और K92 न्यूज के CEO भी हैं। तो आज इनको अवार्ड देने की तकरीब है, तो बाकी जानते हैं कदीर साहब इस मौके पर क्या इजहार ख्याल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि गुलाम अब्बास भाई ने बताया, डॉक्टर साहब का तारुफ कराया और मेरा कराया, तो मुझे अपना तारुफ कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चंद मुख्तसर अल्फाज अदा करूंगा डॉक्टर साहब के लिए कि डॉक्टर साहब का नहायत ही मैं मशकूर हूँ कि मुझे इन्होंने इस काबिल समझा और अपने इदारे में लिया, और मैं इनके दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि जो भी मुझसे हो सका इदारे की खिदमत डॉक्टर साहब की हिदायत के ऊपर, डॉक्टर साहब की रहनुमाई के लेते हुए जो भी मुझसे हो सका इंशाल्लाह मैं डॉक्टर साहब के मियार पे पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। बाकी अब डॉक्टर साहब अपने ख्याल का इजहार करें। शुक्रिया। आज का दिन वाकई बहुत ही ज्यादा जो है काबिल तारीफ है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के ऑफिस में मैंने कदीर शाह साहब, जो मारूफ सहाफी भी हैं, K92 के एडिटर भी और K92 के CEO भी हैं, और इसके अलावा दीगर मुख्तलिफ अखबार में काम करते रहे सहाफती और समाजी काम भी खदमात अंजाम देते रहे बहुत अच्छी, तो इस मौके पे मेरे और दीगर साथी भी मौजूद हैं, जिसमें गुलाम अब्बास आबिद साहब, हाजी मोहम्मदुल साहब, हाजी असलम साहब, मोहम्मद हबीब साहब, और इनामुद्दीन सिद्दीकी साहब, मोहम्मद शायान और दीगर। तो मैं समझता हूँ कि ये कदीर शाह साहब की खिदमात का एतराफ है कि आज इनको इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जानिब से बैन अल-अक़वामी सहाफत का आर्टिकल नंबर 19 सेक्शन 1 जो है, जो अक़वामे मुत्तहिदा इंसानी हकूक का सबसे बड़ा सहाफत का एजाज समझा जाता है, कदीर शाह साहब को आज मैंने लेटर नॉमिनेशन की हैसियत से दिया। और मैं समझता हूं कि इससे पहले भी पूरे पाकिस्तान में इस चीज की बड़ी कमी पाई जाती रही है, लेकिन जब से आर्टिकल 19 सेक्शन 1 का सिलसिला पाकिस्तान में शुरू हुआ और दीगर कई शख्सियात को जो है ये एजाज हासिल हुआ, जिसमें गुलाम अब्बास आबिद साहब भी सर फहरिस्त हैं, और मैं समझता हूं कि आइंदा चंद दिनों या चंद एक दो माह में PRY के हाजी अब्दुल साहब को भी हम ये एजाज देने जा रहे हैं। इसी तरह और दीगर मुख्तलिफ जो अखबारात हैं या टीवी चैनल्स हैं या वेब टीवी चैनल हैं, और इसके अलावा कराची प्रेस क्लब समेत दीगर पाकिस्तान भर में जितने क्लब हैं प्रेस क्लब्स, हम उन्हें भी इंशाल्लाह एजाज देने जाएंगे आइंदा, और इसके अलावा कोशिश करूंगा मैं कि वो सहाफती अदारे जो अब तक रजिस्टर्ड नहीं हो सके या उन्हें हुकूमती तौर पे कुछ दुश्वारियों का सामना है, हम उन्हें भी ये एजाज और ये रजिस्ट्रेशन दें। इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा सहाफत के लिए पाकिस्तान समेत एशिया और पूरे दुनिया में काम करने की जरूरत है। मैंने कोशिश की है कि बैन अल-अक़वामी सतह पर, जैसे कि मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जानिब से काम कर रहा हूं और मेरे तमाम नुमाइंदे जो है पूरी दुनिया में मौजूद हैं,
तो कोशिश है कि साबती तौर पे भी इसे ज्यादा से ज्यादा आगे फैलाया जाए, और मैं इंशाल्लाह बड़ी तवक्को है मुझे कि कबीर शाह साहब बहुत अहम किरदार अदा करेंगे इसके फरोग में, और इंशाल्लाह बहुत ज्यादा आगे जो है तरक्की और कामयाबी अल्लाह ताला इन्हें हम किनार करे कबीर शाह साहब को, और हमारी भरपूर जो है ताऊ मोहब्बतें और दुआएं हमेशा शामिल हाल रहेंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ डॉक्टर जाकिर हुसैन आदिल साहब का कि ये खूबसूरत प्रोग्राम इन्होंने यहाँ पे बज़्म सजाई है, और हमारे तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं, हम उन सबको मुबारकबाद पेश करते हैं कि डॉक्टर साहब के गुलदस्ते में इतने खूबसूरत गुल मौजूद है, तरह तरह के खुशबूदार गुल मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब के लिए मैं हमेशा यही कहता हूं कि डॉक्टर साहब जो है हीरे की कान पे जो है एक दरवेश बैठा है। क्योंकि ये इसलिए मैं लफ्ज कहता हूं कि हीरा कितना कीमती है, लेकिन दरवेश बैठा है उसे परवाह ही नहीं हीरे की। और डॉक्टर जाकिर हुसैन आदिल साहब के जो शागिर्द हैं माशाल्लाह इस वक्त पूरे वर्ल्ड में मौजूद हैं, हर जगह मौजूद है, वर्किंग कर रहे हैं, पीसफुल के लिए, पीस के लिए बहुत काम हो रहा है, और हम सब इंशाल्लाह डॉक्टर साहब की सरपरस्ती में कोशिश करेंगे अच्छे काम करने का और मिलजुल करके करने का। तमाम साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद आज के इस प्रोग्राम के तवसुत से। मैं एक बार फिर डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा तो उन्होंने मधु किया। अस्सलाम वालेकुम।